हेलो क्लास सेवेंथ, आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण कक्षा सात की उसका थर्ड तीसरा पार्ट हमारी बदलती पृथ्वी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्रयोग दिया है कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली को जल के आधे भरे बीकर में रखा और इसको गर्म करने रखा, तो गर्म जल होने पर क्या होता है, कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी के साथ ही नीचे बैठती। तो एक प्रयोग है, तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में, जैसे प्लेट होती हैं उस तरह से विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, कुछ मिलीमीटर के लगभग प्रत्येक वर्ष। और पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा होता है बहुत सारा तरल रूप में, उसमें गति होती रहती है। तो उसके कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्ति यानी कि गोल रूप में घूमता है। तो जिस जैसे गोली को दिखाया गया ऐसी, तो प्लेट की जो इस गति है उसके कारण पृथ्वी की सतह परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि अंदर घटित होता है उसे अंतर्जनित एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर होते हैं उन्हें बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं अचानक, तो कभी धीमी गति। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत हानि होती है। तो पृथ्वी की गतियाँ देखिए, एक अंतर्जनित है और एक बहिर्जनित। तो अंतर्जनित में आकस्मिक बल है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पटल विरूपण यानी कि जो पूरा बाहरी हिस्सा बदल देते हैं, पर्वत निर्माण कार्य बल। और बहिर्जनित है अपरदन और निक्षेपण, जो जमीन खुदती है या मिट्टी बहती है उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो जाती है। निक्षेपण नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनदों के द्वारा। तो ज्वालामुखी जो है भू परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है ये, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो अंदर पृथ्वी के अंदर जो होता है पिघली अवस्था मैग्मा होता है, और जब इसको कहीं पर से इसका दबाव बाहर निकलने के लिए जगह मिलती है, तो उससे गैस, राख ये क्रेटर से बाहर निकलते हैं। ये निकास नली है, ये लावा है जो निकल कर फिर ये बहता है बाहर को, और ये मैग्मा कोष्ठ है यहाँ से निकलता है। तो ये क्रियाकलाप है। अब इसी तरह स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकते हैं, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो जो भूपरपटी जमीनी सतह जो हम दिखती है जिस पर हम खड़े होते हैं, कि नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए ये उद्गम केंद्र है और ये इसके सबसे नज़दीक जो है ये अधिकेंद्र है। तो उद्गम केंद्र के भू से निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर ये तरंगों के रूप में फैलता है चारों ओर को, और अधिकेंद्र का जो निकटतम भाग होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ ये भूकंप की तीव्रता जो तेजी है वो भी कम होती जाती है। तो भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ, एल तरंगे अथवा पृष्ठी। तो यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले से तैयार हुए तो रहे तो इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते थे। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो ये एक भुज का एक भूकंप का एक दिखाया गया है अखबार का की खबर। तो भूकंप का मापन जो है भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है, और भूकंप की जो तीव्रता है तेज़ी है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँचा सकता है, 6 या उससे अधिक होती बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। तो ये यंत्र है। देखिए भूकंप से बचाव की तैयारी, जब भूकंप आए तो हम क्या करें, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, और इनसे दूर रहना चाहिए। आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, और जो हम लोग ऊपर स्लैब में सामान रख देते हैं भारी सामान वो भी नहीं रखा होना चाहिए। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएँ, आपदा का सामना विश्वास से करें। अब है देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ, जो स्थल पे आकृतियाँ बनती हैं, तो अपक्षय में अपरदन नामक दो जो प्रक्रम है उससे दृश्य भूमि जो जमीन हमको दिखती है वो लगातार विघटित यानी कि बनती बिगड़ती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल जो पर्वत होती हैं, चट्टानें होती हैं,
भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम, बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित यानी कि इकट्ठा कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। अब है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। पानी जो है वो चट्टानों को काट काट के बहुत हजारों सालों में कर देता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। तो देखिए, कठोर शैल है ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए, ये कोमल शैल होते हैं तो ये जल की शक्ति से कट जाते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़, देखिए ऐसे मोड़ हैं ये, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, कटता है और दूसरी जगह इकट्ठा होता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, तो जो विसर्प ये है इसके सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। देखिए इस तरह से ये, और कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो आपने नदियों के किनारे देखा भी होगा कि जब बाढ़ आने के बाद पानी कम हो जाता है तो किनारों पर बहुत सारा रेत वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो नदी जो होती है चाहे कितने भी सालों में अपने जो उसका किनारा जो उसका क्षेत्र होता है उस पर जरूर आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि नदियों के किनारे मकान नहीं बनाने चाहिए। तो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, जो इस तरह से किनारे हैं ये, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण यानी कि जो मलबा होता है सब बिल्कुल नीचे रखने लग जाती है। मुख्य नदी है और ये वितरिकाएँ हैं, देखिए अलग अलग उसकी। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। फिर है समुद्री तरंग के कार्य। तो समुद्री तरंगों से इस तरह से स्टैग, तटीय मेहराब और समुद्री गुफा ऐसे बनती हैं। समुद्री तरंग के अपरदन निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती है। समुद्री तरंगें लगातार शैलों जो चट्टानें होती हैं उनसे टकराती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ही बड़ी और चौड़ी होती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपरदन जो है छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं, देखिए स्टैग। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। फिर है हिमनद। हिमनद यानी कि जो बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देता है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वत क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उनमें जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। निक्षेप हिमनद ही मोड़ का निर्माण करते हैं। अब है पवन के कार्य। तो रेगिस्तान में देखिए बालू टिब्बे के कुछ चित्र दिख रहे हैं ये। तो रेगिस्तान में पवन जो है, हवा जो है, अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। तो चट्टाने होती हैं उनके निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। जो उनका जो निचला हिस्सा होता है वो कम हो जाता है और ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है। और पवन चलने पर यह अपने साथ रेत
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। तो चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए, तो उसे लोएस का मैदान भी कहा जाता है। तो देखिए ऊँची ऊँची जो पर्व हैं ये बालू टिब्बा, तो इस तरह से ये पाठ हमने पढ़ा।